गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 8। इसके पीछे क्लास में मैं आपको स्क्वायर नंबर और परफेक्ट नंबर के बारे में डिस्कशन किया। टुडे आज के क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स आपको बताने जा रहा हूं। जैसे स्क्वायर रूट का चैप्टर बनाए हैं, उसी प्रकार से इस चैप्टर को भी आप सॉल्व करेंगे। तो क्यूब जो हम लिखे वेन ए नंबर इज ए मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, उसी को बोलते हैं क्यूब। से क्यूब ऑफ 2, यानी इसी नंबर को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 2 पर पावर क्यूब, तो यानी इक्वल टू 8 हुआ। तो क्यूब ऑफ 2 क्या हुआ? 8 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से क्यूब ऑफ 3 आप जानते होंगे। इसमें एक ही मेथड है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से ये डिसाइड करेंगे कि कौन क्यूब नंबर है, ठीक है। तो उसमें 2 का पेयर लगाते थे, इसमें ग्रुप ऑफ 3 रहेगा, ठीक है। एक वो ठीक शब्द जो ऐसे हमारे मुख पर बैठ गया है, 216 का एग्जाम्पल में लेता हूँ। इसका ये चेक करना है कि क्यूब नंबर है या नहीं है, तो उसको मैं चेक करता हूँ। 2 से लगाता हूँ, 108, फिर 2 टाइम्स लगाते हैं 54, फिर जो 3 टाइम्स में लगाते हैं 3 तो 27, फिर 3 टाइम्स में लगाएंगे 9, फिर 3 और फिर 3 और 3 1 3, यहाँ 3 लिख दिया ना 3, ठीक है। एक सेकेंड, 27 3 जा, फिर 3 जा 9, फिर से इसको जो ऐसे एग्जाम्पल में लेता हूँ, ध्यान से देखिए। 216 2 टाइम्स में लगाए, 108 लिखाया, ठीक है, फिर 2 टाइम्स में लिखाया तो 54 लिखाया, फिर 2 टाइम्स रिटेन किया तो 27 आया, ठीक है। आफ्टर दैट फिर 3 से 9 3 जा, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 3 जा 1। इसमें लिखे जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 216, जो प्राइम फैक्टर ऑफ 216 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। इसमें जो ग्रुप्स ऑफ प्राइम फैक्टर है, ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर इज ट्रिपलेस, ठीक है। ट्रिपलेस में अगर ग्रुप हो तो हम समझेंगे ये जो ऐसे क्यूब नंबर है। तो आप देख रहे हैं इसकी ग्रुप जो ऐसे ट्रिपलेस में है, तो ए प्राइम फैक्टर है। यस, लिखिएगा यस, 216 इज क्यूब नंबर, ठीक है। ये लिखा गया आपका क्यूब नंबर। अब इसकी रूट अगर कहेगा निकालने के लिए, है ना, 216 का रूट आप मालूम कीजिएगा, तो इस पेयर से 2 और इस पेयर से 3, तो 2 3 जा 6, तो 6 इज ए रूट, 6 इज ए रूट ऑफ 216, यानी 216 क्यूब नंबर्स का। तो आप इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप जो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कौन क्यूब है और कौन क्यूब नंबर है और कौन क्यूब नंबर नहीं है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक क्वेश्चन इसमें और एक रहेगा आपके पास कि जो क्यूब नंबर नहीं है तो इसको परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो उसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए जिससे हम स्क्वायर में आपको स्क्वायर नंबर में बताए थे, उसी प्रकार से इसमें जो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से परफेक्ट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल में मैं लेता हूं कि 3087 नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। एग्जांपल में मैं लिया 3087 नॉट है, तो पहले चेक कीजिए, तो 3087 को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आप 2 से तो होगा नहीं, 3 से आपको लगाना होगा, क्योंकि 87 15 3 18 3 से कटेगा, तो 10 और 29, फिर 3 से चेक करेंगे 9 to 11 11 to 3 से ही लगेगा, 3 3 3 3 9, ठीक है। यहाँ 9 1 4 3 3 4 3, अब 4 3 7 7 3 10, अब 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइएगा 49, फिर 7 से लगाइएगा 7, फिर 7 से 1। तो इसमें आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ जो है ऐसे प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 है, 3 ये जो ऐसे ग्रुप ऑफ जो ऐसे पेयर में नहीं है। तो आप लिखिएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 3087 इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7 × 7। हम आपको बताए थे कि 2 प्रोसेस है, एक मल्टीप्लाई करके आप परफेक्ट बना सकते हैं और एक डिवाइड करके, एक मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है बाबू, डिवाइड करके। अब इसमें जो ऐसे लिखेंगे रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर है ने, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर 3 0 मैंने 2 बी मल्टीप्लाइड बाय 3087 इज 2 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। 3087 में कौन ऐसी छोटी मैंने स्मॉलेस्ट नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर जो ऐसे परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो परफेक्ट क्यूब जो है ऐसे आप जो ऐसे मल्टीप्लाई जो अनपेयर नंबर है जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स नहीं है, यानी एक नंबर, तो जो ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐसे 3 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई के लिए। अब जो ऐसे इस नंबर्स में ठीक है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, यानी एक पेयर अगर बढ़ा देंगे 3 × 3 × 7 × 7 × 7 तो 1 3 जो ऐसे मोर, यानी इसको ट्रिप्लेस कर दिया इस नंबर को, ठीक है। तो ट्रिप्लेस करने में जो भी नंबर आपको पास मैंने एक रिक्वायर्ड चाहिए है ना, वो करके वही स्मॉलेस्ट नंबर होगी। लेकिन अगर डिवाइड की बात करेंगे है ना, तो डिवाइड में स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगी, डिवाइड में सुनते जाइए, डिवाइड में स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा जो 3 3 9 होगा, ठीक है, यानी 3 × 3 = 9, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3087 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो परफेक्ट क्यूब आपकी बन जाएगी। सपोज काट कर देखते हैं, 9 3 27, यहाँ 3 हो गया, 38 हो गया, ठीक है। तो 9 4 36, यहाँ 36 हो गया, 3 यानी 3 4 3, डिवाइड करने पर 3 4 3 जो आया से परफेक्ट क्यूब हुआ आपका। तो डिवाइड में आपको क्या करना है, आपको 9 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लायर पूछेगा तो ट्रिप्लेस के लिए कितना नंबर की रिक्वायर की जरूरत है ग्रुप ऑफ ट्रिप्लेस में, तो 2 नंबर पहले से, तो एक ही नंबर रिक्वायर की जरूरत है, इसलिए एक ही नंबर से मल्टीप्लाई, इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर 3 हुआ। लेकिन डिवाइड में स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 9 हुआ। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा किसी को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। तो ये चैप्टर जो ऐसे इसी टाइप का है, आपको 1 घंटा में बन जाएगा, बनाइएगा तो बैठकर बन जाएगा। और इसके बाद जो ऐसे इस चैप्टर से स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब से जो ऐसे हम लोग
निकलकर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।